नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई सऊदी अरबिया के बारे में। जी हाँ भाई, सऊदी अरबिया क्या भाई, मैटर तो सऊदी अरबिया का है, बाकी हर उस इंसान का जो लोग विदेश में रह के आप कमाते हैं, खास तौर से गल्फ देशों की बात करें तो। जी हाँ, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है और सिर झुकने वाली बात है कि इंडिया के दो लोग चोरी के इल्ज़ाम में पकड़े गए। जी हाँ, सऊदी अरबिया में। हालांकि हम वीडियो दूसरे देशों के बनाते हैं कि वो देश का पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, लेकिन भाई ये नहीं कि इंडियन लोग अगर चोरी करते हुए विदेश में पकड़े जाते हैं तो उस खबर उस बात को छिपाना बिल्कुल गलत है, तो उसको भी उजागर करना जरूरी है। आप में से ही सऊदी में लोग साथ वाले काम कर रहे थे, दो भारतीय गिरफ्तार हुए हैं। जी हाँ, और चोरी का सामान है बरामद कर लिया गया। बता दूं, 7.5 लाख रियाल का है मैटर, देख लो। अब आप समझ सकते हैं 7.5 लाख रियाल कितना, 1,50,00,000 का कीमती सामान बरामद हुआ है। जी हाँ, ये बता दूं, रियाद का मैटर बताया गया है। बिजली के जो तार होते हैं ना, जो अंडर कंस्ट्रक्शन, जो आपको पता है यार, आप सब लोग सऊदी में रहते होते हैं, आप लगभग ब्लू कॉलर जॉब वाले हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं 80-90% लोग। जी हाँ, सबको पता होता है बिजली की जो तारें होती हैं मोटी मोटी, जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंगों में काम आती है, उनके साथ में ब्रेकर होते हैं, उनको चोरी कर लिया गया। जी हाँ, उसमें बता दूं, एक श्रीलंकाई बंदा था, दो इंडियन बंदे थे। अब यार शर्म की बात है, अब कौन लोग थे, उनका फोटो वगैरह तो अपने पास नहीं आया, लेकिन ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। आप लोग जो बैठे हो ना सऊदी अरबिया में, किसी भी देश में, यहाँ पे नाम क्या है, दो इंडियन बंदे। अब बताइए जी, एक श्रीलंकाई बंदा, कितनी गलत बात है यार। क्योंकि आप ये क्यों मानते हो कि आप बंगाल के हो, आप इंडिया राजस्थान में कहीं कर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे आप सिर्फ इंडियन है सऊदी अरबिया में। और इंडियन क्या मतलब होता है भाई, वो आपके भाई हैं, चोरी के इल्ज़ाम में पकड़े गए हैं, कहीं ना कहीं आपको भी लोग शक की निगाहों से देखते हैं। जी हाँ, कि यार इंडियन बंदे चोरी करते हैं, इंडियन बंदे चोरी करते हैं, ये वो नहीं बोलते कि दो बंदे थे वो चोरी किए, इंडियन बंदे चोरी करते हैं, कहीं ना कहीं ये तबका आपके साथ भी लगता है। तो मेरे भाई, इस बातों का आप ध्यान रखिए, आपके साथ में कोई भी आपको लगता है कि ये बंदा चोरी कर रहा है तो उसकी शिकायत करिए। हालांकि मैं बता दूं, ये एक फंडा क्या होता है, काफ़ी सारे लोग मैंने भी देखे हैं यार मेरी आसपास में, कि यार एक बंदा ड्राइवरी के जॉब में, हेल्पर के जॉब में, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर कोई भी काम में वो बंदा काम कर रहा है, वहाँ पे अचानक से इंडिया में आके 20-50 लाख लगा के मकान बना रहा है, बढ़िया गाड़ी खरीद रहा है, बढ़िया ऐशो आराम कैसे आ गया भाई। 20-25-30 हज़ार से ऊपर तो तनख्वाह नहीं मिलती है, आप सबको पता ही है, कंस्ट्रक्शन में कोई भी काम में यार, बड़ा कोई इंजीनियर है तो क्या 60-70 हज़ार रुपये मिल जाती है, 1,00,000 रुपये मिल जाती है। अचानक से ये लोग से पैसे वाले कैसे बन जाते हैं, वो लोग ऐसे पैसे वाले बनते हैं। अगर ये लोग, हो सकता है पहले भी इन्होंने चोरियां की होंगी, हो सकता है ये 1.5 करोड़ रुपए का सामान था, 3 बंदे थे, इनका टारगेट हो सकता है सामान के पैसे मिलते और फिर ये इंडिया फुर हो जाते, यहाँ आके ऐसो आराम करते, दुनियादारी गांव वालों को ये दिखता, अरे यार वो थोड़े टाइम में 5 साल में देखो कितने पैसे वाले बन गए। अरे भाई, वो पैसे वाले इस तरह से बनते हैं, बाकी आप लोगों को पता है कि आप मजदूरी करके, मेहनत करके, पसीना बहाते हैं, कितने पैसे वाले बन जाते हैं, कोई नहीं बनता। हाँ, अलग बात है कि कोई जो ठीक है घर गृहस्थी चल जाती है, या कोई अच्छी सैलरी होती है, उनको टाइम लग के वो पैसे वाला होता है, वो भी धीरे धीरे, अचानक से ऐसा नहीं, ये लोग ऐसा काम करते हैं। ये इनकी उम्र देखिए यार, 50 साल के करीब इनकी उम्र बताई गई है, 50 साल के करीब का मतलब होता है कि उनके पोती पोते हो जाते हैं, समझ रहे हो। अब वो जेल में पड़े रहेंगे, इधर उनके परिवार में सब जगह ये बात फैल जाएगी कि चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो गए। अरे बूढ़े लोगों को शर्म आने की बात है, इस उम्र में चोरी कर रहे हो, देश का नाम बदनाम कर रहे हो, साथ में आप लोग जो वहाँ बैठे हो आपका भी नाम बदनाम होता है। तो मेरे भाई देखिए, सख्ताई के साथ आपको लगता है वो गलत कर रहे हैं तो आपको बदनाम करें, उससे पहले उनको अरेस्ट करवा दो, सीधी बात यही है, इनका तभी समाधान होगा। ज़रूरी नहीं होता कि सब देशों के लोग ही चोरी करें, और देशों के कर रहे हैं, इंडियन वाले नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखिए जो गलत नियति होता है ना, जिनके मन में लालच आता है थोड़े टाइम में ज्यादा पैसा कमाने वाला, वो लोग ऐसा करते हैं। देखिए 1.5 करोड़ का सामान, और बेचते कहां थे, स्क्रैप में, स्क्रैप समझते हो जो पुराने सामान होता है उसको डाल के कचरा कर देते हैं मशीन, उसमें बेच रहे, बताओ कोड़ी के भाव बिकता है वो, आप सबको पता है। आप 10 लाख की गाड़ी है तो खराब हो गई, उसको स्क्रैप करोगे तो क्या 10 लाख बटेंगे, वो 50-60 हज़ार में चली जाएगी, वैसी स्थिति में वो सामान बेच रहे थे, कितने करोड़ों का चपत लगा रहे थे। तो अब ये गए, वो लंबे टाइम के लिए जेल गएंगे जाएंगे ये लोग, सऊदी है, इंडिया नहीं है कि साल भर में जमानत होकर बाहर आ जाएंगे, सऊदी है, टाइम लगेगा इनको बाहर आने में, हो सकता है वहीं उनका अंतिम संस्कार हो जाए, ये स्थिति है। तो इनसे बचें, दूसरों को बचाएं, और आपको लगता है कोई चोरी करे तो उनको अंदर करवाएं, चाहे वो अपने रिश्तेदार या कोई इंडियन ही क्यों ना हो, क्योंकि वो बाद में पकड़ा जाएगा तो बदनामी आपकी होनी, उससे पहले उनको गिरफ्तार करवाओ, ताकि अब आप लोगों के लिए, अपने इंडिया के लिए अच्छा रहे। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।